गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई अमित कुमार अगेन वेलकम यू ऑल इन IIT मंथन. आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल ऑफ यू आर सेफ एट योर होम. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ह्यूमन आई. सो अब तक हमने ह्यूमन आई में पढ़ा कि एक हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करते हैं हम, एक हम बात करते हैं डिफेक्टिव आई की. तो नॉर्मल ह्यूमन आई का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई आपकी दूर की चीजों को भी इजीली देख पाती है और नजदीक की चीजों को भी इजीली देख पाती है. ठीक, जैसे किसी नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीचर्स पहले नॉर्मल ह्यूमन आई के पास थी अब उनमें कुछ ना कुछ कमी आ गई है, जिसके कारण नॉर्मल ह्यूमन आई अपने फीचर्स को पूरी तरह रिटेन नहीं करके कुछ कमियां आ गई हैं. फॉर एग्जांपल, पहले आई हमारी दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को इजीली देख पा रही थी, लेकिन अब डिफेक्ट आने से के बाद अब ये हमारी जो आईज हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रही या फिर नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पा रही है. तो जब भी नॉर्मल ह्यूमन आई में कोई डिफेक्ट आता है तो वो या तो नॉर्मल ह्यूमन आई आपकी दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती है या नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाती है. ठीक, तो डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई और डिफेक्टिव आई में यही डिफरेंस है कि जो चीज़ नॉर्मल ह्यूमन आई में इजीली अवेलेबल हमें हो रही थी अब वो चीज़ हमें डिफेक्टिव आई में नहीं मिल पा रही है ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द आई. नंबर वन. अब नंबर टू की बात करें तो जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद नॉर्मल ह्यूमन आई कन्वर्ट हो गई किसमें, डिफेक्टिव आई में. डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट, किस तरह का डिफेक्ट की बात हम कर रहे हैं उस डिफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अब हमारा जो डिफेक्ट है वो क्या बन गया है. डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट द आई विल कन्वर्ट इन टू डिफेक्टिव आई. इफ द डिफेक्ट इज मायोपिया देन इट इज नोन एज मायोपिक आई. इफ द डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया then the defective eye is known as hypermetropic eye and the person with defect is known as the person with myopic eye or it may be called as a person with hypermetropic eye depending on myopia and hypermetropia respectively. clear hai. to ab jaise hi mujhe defect ka pata laga ki human eye mein defect aa gaya hai, ab baat aati hai ki उस डिफेक्ट के आने से उस ह्यूमन आई में क्या सिम्टम ऐसे आ गए कि जिससे कि मुझे पता लग रहा है या मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूं नॉर्मल ह्यूमन आई और डिफेक्टिव आई के बीच में. डिफेक्ट आने के बाद सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई है और ये हमारी डिफेक्टिव आई है. ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई और डिफेक्टिव आई की जब हम बात कर रहे हैं तो इस केस में अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई और डिफेक्टिव आई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मीन्स पहला क्या हो गया, सिम्टम्स क्या आ गए. तो अगर हम मायोपिया की बात कर रहे हैं तो जैसे डिफेक्ट आया आई में तो आई को क्या हो गया, आई में डिफेक्ट आ गया है और आई क्या बन गई, मायोपिक आई बन गई है. और उस सिम्टम्स में क्या होगा कि जो भी पर्सन इस डिफेक्ट से ग्रसित है या जिस पर्सन की आई में ये डिफेक्ट आ गया है उसको हम बोलते हैं द पर्सन विद द मायोपिक आई. द पर्सन विद द मायोपिक आई. तो सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे. द पर्सन विद द मायोपिक आई कैन नॉट सी
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो जिस पर्सन में ये डिफेक्ट मायोपिया आ जाता है तो उस पर्सन की आंख दूर की चीजों को देख पाने में सक्षम नहीं होती, जिसके कारण दूरी पर रखी हुई चीजों को वो साफ साफ नहीं देख पा रही है। तो इसीलिए उन आंखों में डिफरेंस क्या आ गया कि नॉर्मल ह्यूमन आई जब पहले बिना डिफेक्ट के थी तो पहले वो दूर की चीजों को भी साफ साफ देख पा रही थी, जैसे ही डिफेक्ट आया मायोपिया तो डिफेक्टिव आई अब कैपेबल नहीं है दूरी पर रखी हुई चीजों को साफ साफ देखने। ठीक है, अब नंबर तीन, अब सिम्टम्स अगर हो गए, ठीक, नंबर तीन में क्या आता है, सिम्टम्स हो गए आपके मायोपिया, तो मायोपिया होने के बाद रीजन क्या है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि कहीं दूर रखी हुई है वो मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें तब साफ दिखती है जब उस ऑब्जेक्ट द्वारा आई गई लाइट रेज, जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों के रेटिना पर फोकस होती है तब ही हमें इमेज साफ नजर आती है। व्हेनेवर द इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना और यू कैन से व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट रेटिना देन द इमेज इज क्लियर टू द पर्सन। तो रीजन क्या है कि इसका मतलब जब नॉर्मल ह्यूमन आई में वो जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आकर के रेटिना में फोकस हो रही थी, इसका मतलब डिफेक्ट आने के बाद, मायोपिया होने के बाद और यू कैन से मायोपिक आई में आई के कन्वर्ट होने के बाद वो जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पा रही, वो कहीं पीछे या आगे बन रही है। ठीक, ये आपका हो गया रीजन। तो हमने जब उसका डायग्राम बनाया था तो वी ऑब्जर्व दैट द इमेज इज ऑब्टेन्ड और इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक, क्योंकि डिफेक्टिव आई के लिए जो वो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी वो इतनी दूरी पर जा चुकी है जो कि बिल्कुल इन्फिनिटी के पास है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आंख के दायरे से बहुत दूर हो चुकी है, जिसके कारण वो जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पा रही है, जिसके कारण इमेज हमें क्लियरली नहीं दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉजेज कि ऐसा कारण क्या है जिसके कारण ऐसा आंख में क्या हुआ जिसके कारण आंख में डिफेक्ट आ गया मायोपिया का। तो क्या हुआ कि आंख क्या है, हमारी आई एक लेंस है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला रीजन क्या हुआ कि ये जो डिफेक्ट है मायोपिया वो आंखों में क्यों आ सकता है, नंबर एक कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाए, तब ये डिफेक्ट आंखों में आ सकता है जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक, एंड द डिफेक्टिव आई इज नोन एज मायोपिक आई। क्लियर, नंबर दो, अब हर पर्सन की आई में एक छोटी सी बॉल होती है, नॉर्मली इट इज ऑफ ब्लैक कलर बट समहाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द पर्सन इज हैविंग द आई बॉल ऑफ ब्राउन कलर और ब्लू कलर। सो कलर का कोई इशू नहीं है। तो अगर हमारे सेकंड क्या था, अगर हमारे आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए, मींस
ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द साइज ऑफ द आई बॉल। तो अगर आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है उस कारण भी ये डिफेक्ट मायोपिया आई के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पर। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई में आ जाता है, और ये डिफेक्ट आने के बाद नॉर्मल ह्यूमन आई इज नॉट कैपेबल टू वर्क एज ए नॉर्मल आई। फिर आती है सिम्टम्स की बात। जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन आई में ये डिफेक्ट आया तो इस डिफेक्ट के सिम्टम क्या है कि जिस पर्सन की आई में ये डिफेक्ट आ जाएगा अब उसकी आई नॉर्मल ना हो करके डिफेक्टिव आई बन चुकी है। इट मीन्स द डिफेक्टिव आई, और यू कैन से द पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को इजिली देख सकता है लेकिन नजदीक की चीजों को इजिली नहीं देख पाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ए शॉर्ट साइटेडनेस। और कहते हैं इट इज ए शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसके दो नाम हो गए, इसको हम बोल सकते हैं इट इज हाइपरमेट्रोपिया और इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेड। मीन्स दिस डिफेक्ट में सिर्फ नजदीक का दिखता हो या थोड़ी दूरी का दिखता हो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक, अब सिम्टम्स के बाद इसमें भी बात आई कोज की, कि क्या कारण हुआ कि हमें नॉर्मल ह्यूमन आई में जब ऑब्जेक्ट नजदीक रखी हुई थी तो क्लियरली दिखाई दे रही थी लेकिन अब इस केस में डिफेक्ट आने के बाद हाइपरमेट्रोपिया होने के बाद जब आई आपकी कन्वर्ट हो गई हाइपरमेट्रोपिक आई में तो अब नॉर्मल आई जो आपकी है वो नजदीक की चीजों को देख पा रही थी, डिफेक्टिव आई अब उन चीजों को नहीं देख पा रही है जो कि नजदीक रखी हुई थी। तो क्या कारण हुआ कि ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनी होगी, और हमने ऑब्जर्व किया डायग्राम में कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनी हुई है। ठीक, अब ये सब होने के बाद आती है बात कोज की। तो कोज क्या है, मींस कारण क्या है, कैसा आंख में क्या हुआ कि वे नजदीक चीजें दिखनी बंद होगी। तो कॉजेज में आता है कि ये डिफेक्ट आई में कब कब आ सकता है। तो नंबर वन, अगर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाए, तब भी आपका ये डिफेक्ट आ सकता है। नंबर दो, अगर आई बॉल का साइज छोटा होने लगे, तब भी ये डिफेक्ट आपका आ सकता है। ठीक है, मीन्स आई बॉल का साइज छोटा होने लगे तब भी ये आपका डिफेक्ट आ सकता है। अब ये दोनों डिफेक्ट होने के बाद अब बात करते हैं कि हाउ टू डू समथिंग फॉर करेक्शन ऑफ दीज डिफेक्ट्स। तो मायोपिया डिफेक्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि जब ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे थी, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जहां भी था, अब डिफेक्टिव आई के लिए वो फार पॉइंट इतनी दूर जा चुका है जिसको हम इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो अब हमें पता है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलली ट्रेवल करती हैं विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो हमेशा पैरेलल ट्रेवल करती हैं, हमें पता है इस चीज का। ठीक, अब क्या है, अब पैरेलल ट्रेवल करने के बाद वो जो लाइट रेज हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब पहले जो लाइट रेज थी वो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही थी जो कि इन्फिनिटी से थोड़ी कम दूरी पे है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो गई है, तो लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम सम फार्दर डिस्टेंस, जिसके कारण हमें इमेज ठीक से दिख पा रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है
अगर उनके रास्ते में अगर हम कोई कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर रख दें, सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस रख देते हैं, तो क्या होगा, लाइट विल गेट डाइवर्ज एंड जब उनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इट विल मीट समवेयर एट ए प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेम पॉइंट विच इज हैविंग रिजेम्बलेंस विद द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉनकेव लेंस को यूज करके इसके डिफेक्ट को, मायोपिया के डिफेक्ट को आंख से दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है हाइपरमेट्रोपिया की बात। हाइपरमेट्रोपिया में हमने ऑब्जर्व किया कि नियर पॉइंट जहां पर भी होता है वो वहां ना होकर के थोड़ा और नजदीक हो गया है, क्योंकि देखो तो हर चीज को देखने की लिमिट होती है। जब मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को रखूंगा तभी मैं उसको क्लियरली देख पाऊंगा। अगर मैं उसको अपनी आई लेंस से, अपनी आई से और नजदीक रखूंगा तो मे भी उसको मैं क्लियरली ना देख पाऊं, तो जिसके कारण ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आंखों में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में नियर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट जो होता है वो वहां ना होकर के उससे और नजदीक हो गया है। ठीक, जिसको हम बोल देते हैं कि नियर पॉइंट इज फार्दर फ्रॉम द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। ठीक है, तो इस केस में हम ऑब्जर्व करते हैं व्हेन वी वांट टू डू द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट देन वी विल ऑब्जर्व दैट अगर हम इन लाइट रेज के बीच में कोई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर एंड लार्जर अपर्चर यूज करते हैं तो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रे हमें वहीं इंसिडेंट होती मिलती हैं जो कि आपका सेम पॉइंट होगा, जो कि आपका नॉर्मल ह्यूमन आई में नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट था। ठीक, अब बात आती है हमारी कि हमने कल इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं किया था, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं किया था, तो आपने जो कल थर्ड डायग्राम बनाया था हाइपरमेट्रोपिया का, आपने जो कल थर्ड डायग्राम बनाया था हाइपरमेट्रोपिया को का, उसको एक बार खोलिए और उसको, उस कॉपी को निकालिए और मैं अभी यहां पे उस डायग्राम के रेफरेंस में आपको कुछ यहां मैथमेटिकल प्रूफ करवाने वाला हूं। तो प्लीज अपनी कॉपी निकाल लीजिए जिसमें आपने कल के लेक्चर में हाइपरमेट्रोपिया का थर्ड डायग्राम किया होगा जहां हमने करेक्शन ऑफ डिफेक्ट लिखा था। ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि नियर पॉइंट जो आई का है, नियर पॉइंट जो मेरा आई का है उसका डिस्टेंस मैंने वाई मान लिया। करेक्शन ऑफ डिफेक्ट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। तो इस करेक्शन ऑफ डिफेक्ट में, इस करेक्शन ऑफ, इस करेक्शन ऑफ डिफेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि करेक्शन ऑफ डिफेक्ट में क्या कह सकते हैं कि हमने नियर पॉइंट का, आई के नियर पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई मैंने वाई मान लिया। क्या मान लिया, मैंने वाई मान लिया, और जो मैंने लेंस यूज किया, जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया उसका डिस्टेंस मैंने डी मान लिया।
उसका सेंस क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यू मेरा हो गया माइनस वाई, यू मेरा हो गया सॉरी, तो यू मेरा हो गया माइनस डी, वी मेरा हो गया माइनस वाई। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा हो गया क्या माइनस डी, और ये मेरा हो गया माइनस वाई। मैं डायग्राम फिर भी दोबारा बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो डायग्राम ऐसा कुछ था हमारा, मीन्स ये जो है ये मेरा डी है, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, वाई है। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा क्या है, y। तो इस केस में तो यहां पर अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। तो 1 by f इज इक्वल टू 1 बाय वी, वी इज माइनस वाई, माइनस ऑफ माइनस 1 बाय डी, एंड 1 बाय माइनस वाई प्लस 1 बाय डी, एंड इट इज डी वाई, एंड दिस इज माइनस डी प्लस वाई, इट इज 1 बाय एफ। तो एफ क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ डी वाई बाय डी माइनस वाई। तो क्या आ गया, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू वाई डी बाय वाई माइनस डी। तो यहां पर अब देखिए, क्योंकि y d से बड़ा है आप देख सकते हो, और इट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ये वैल्यू भी डी वाई छोटा, इट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव, मींस f क्या आ गया पॉजिटिव, मींस इट मींस हाइपरमेट्रोपिया को डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करें। ठीक है, तो अब इनका डिफेक्ट, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अब इसको एक बार देख लो,
इन मायोपिया वी कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यहां पर कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक, दूसरा इसमें आता है कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहां पर इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। यहां पर आता है कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। यहां पर आएगा कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। नंबर फोर, ये क्यों होता है? ये होता है लार्ज कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये 4.1 बन जाएगा। और दूसरा क्या है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, और इसमें क्या है? लार्ज फोकल लेंथ, और इसमें है कंप्रेशन ऑफ द आई बॉल। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिफरेंशिएट बट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो इन दिस वे वी हैव डन थ्योरेटिकली दीज टू डिफेक्ट्स, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, देयर डिफरेंसेस, देयर सिम्टम्स, देयर रीजन्स, देयर कॉजेज एंड हाउ टू करेक्ट दीज डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि एक चीज और रह गई यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है मायोपिया का? मायोपिया को बोलते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस। और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, दिस इज मायोपिया, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, या हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस ही बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्लोजली साइटेडनेस। तो इन डिफरेंस को याद करके आप इनको कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं इजीली मेथड से पॉइंट वाइज।
ठीक, सिम्टम्स क्या है, कोज क्या है, रीजन क्या है, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट कैसे होगा, ठीक है, इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, इस सॉरी डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इस डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से आप पॉइंट्स बनाकर इनके डिफरेंस को याद इजिली कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस लेक्चर इज ओवर, सो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बराइज दीज टू डिफेक्ट्स एंड द डिफरेंसेज, देन वी विल डू टुमारो, वी विल डू द नेक्स्ट टू मोर डिफेक्ट्स। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ एंड स्टे एट होम।